अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वाइट दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उड़द दाल बनाने के लिए मैंने 1.5 कप उड़द दाल लिए, इसे अच्छे से वॉश किया और 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। ये दाल अच्छे से फूल गई है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3 कप पानी। ये 1.5 कप दाल है तो 3 कप पानी ऐड करेंगे। अगर आपने दाल को पहले से भिगोया नहीं है तो आप 4 कप पानी ऐड करिएगा। पानी को हम गरम कर लेंगे, जैसे पानी गरम हो जाएगा तो दाल ऐड करेंगे। देखिए पानी अच्छे से गरम हो गया है, बॉईल आने वाला है तो दाल ऐड कर देते हैं और दाल को कवर करके बॉईल आने का वेट करेंगे। अभी हम कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, कवर कर देते हैं। देखिए दाल में बॉईल आ गया है, खोल लेते हैं। दाल के ऊपर जो भी ये झाग है ना, इन्हें हम रिमूव कर देंगे, सभी झाग को निकाल देंगे। देखिए मैंने सभी झाग को निकाल दिया है। इसमें ऐड करेंगे मसाले, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़े खड़े मसाले ऐड करेंगे, 1 दालचीनी का पीस ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग और आधा चम्मच काली मिर्ची ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। कवर करेंगे, कवर करके लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। ये आप जब तक पकाइएगा जब तक दाल गल ना जाए, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। देखिए 8 से 10 मिनट हो गई है, खोल लेते हैं और चेक करेंगे कि दाल अच्छे से गली है या नहीं। देखिए मैं दिखा देती हूँ, दाल अच्छे से गल गई है, इससे ज़्यादा नहीं गलाएंगे नहीं तो दाल में टेस्ट नहीं आएगा। और दाल में जो भी पानी है ना, इसे हम ड्राई कर लेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे, हाई फ्लेम पे पूरा पानी ड्राई कर लेंगे। देखिए दाल का सभी पानी ड्राई हो गया है, इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करेंगे, बारीक कटा हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। इसे साइड में रखेंगे और इसमें तड़का लगाएंगे। एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे ऑयल, आप ऑयल या घी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें बारीक कटी 1 प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज फ्राई होने लग गई है, इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग से दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, जीरा और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज फ्राई हो गई है, इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 सूखी लाल मिर्ची जिसे मैंने कट कर लिया है और 1 इंच अदरक का पीस लेंगे, उसे मैंने बारीक कट कर लिया था। इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा टमाटर और टमाटर को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया है, इस तड़के को हम दाल में डाल देंगे और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेते हैं। यह बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, बहुत आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाली। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा ना कि हमें क्या बनाना है तो आप ये दाल बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है और घर में सभी को पसंद आती है। देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये वाइट उड़द दाल की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अल्लाह हाफिज़।